थाना रांची में दिनांक 15 जून 2020 को मारपीट में घायल मोहित श्रीवास को मेडिकल कॉलेज ले जाने की सूचना पर मेडिकल कॉलेज पहुंची पुलिस को सोनू उर्फ रोहित श्रीवास उम्र 31 वर्ष निवासी गौशाला के सामने रांची बस्ती ने बताया कि वो कपड़े की दुकान पर काम करता है। मोहित श्रीवास उसका छोटा भाई है। दिनांक 15 जून 2020 को शाम लगभग 7 बजे से 7:15 के बीच में वो और उसका छोटा भाई घर पर थे। उसी समय बापू नगर के निक्की वंशकार और शनि चौधरी आए और मोहित से बोले कि चलो तुमसे बात करनी है। ऐसा कहते हुए दोनों मोहित को अपने साथ दुर्गा मंदिर के पास ले गए। वो भी घर से बाहर निकल गया, तभी देखा कि निक्की और शनि दोनों मोहित पर चाकुओं से हमला करने लगे। मोहित जान बचाकर घर की तरफ भागा और थोड़ी दूर जाकर सोनी जी के मकान के सामने गिर गया। तभी खेमचंद और अखिल रजक और उसके चाचा ओम प्रकाश मोहित को बचाने के लिए दौड़े तो निक्की और शनि वहां से भाग गए। मोहित के पास जाकर देखा तो मोहित की दोनों जांघों से खून बह रहा था। मोहित ने बताया कि निक्की वंशकार और शनि उर्फ बकरा चौधरी ने रुपयों के लेन देन की बात को लेकर चाकुओं से मारा है। सर गौशाला में कल एक युवक की हत्या हुई, उसमें कुछ आरोपी कल रांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति जो है मोहित उसका मर्डर हुआ है, जिस पर FIR की है। और मर्डर शनि और निक्की नाम के दो व्यक्तियों ने किया है, जिसमें शनि चौधरी जो है उसको पकड़ लिया है, गिरफ्तारी हो गई है। और जो निक्की है उसके लिए हमारी टीम लगी है और शीघ्र अतिशीघ्र उसको भी पकड़ा जाएगा। सर क्या था पूरा मामला ये जो मारने का? इसमें इनका अभी तक जो बात समझ में आई है जांच में कि इनका आपसी विवाद था पैसे के लेन देन को लेकर के, जिसके अंतर्गत चाकूबाजी हुई और उसके द्वारा इसकी हत्या की गई।